अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमिना की मेहमान नवाजी। तो आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। तो एक किलो चिकन है, एक किलो ही चावल है, 300 ग्राम कांदा इस स्लाइस में बारीक कटा हुआ। तो चलो शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। हमारी पतीली गरम हो गई है, तो अब इसमें हम ये 100 ग्राम तेल डालेंगे। 100 ग्राम तेल, खड़े मसाले में आधा चम्मच जीरा, 3 दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 लौंग, शाही जीरा आधा चम्मच, 2 स्टार फूल, 3 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, थोड़ा सा कबाब चीनी, ये 3 तेज पत्ता अक्के मसाले में। तो हम तड़का डालेंगे गरम मसाला। इसमें कांदा डालेंगे। कांदा हम अच्छे से गोल्डन करेंगे। तो अभी टाइम लगेगा इसमें 5-6 मिनट। कांदा हमारा गोल्डन हो गया है, इतना गोल्डन होना चाहिए। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। कांदे के साथ हम 1 मिनट चलाएंगे इसको। और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये 3 चम्मच है भर के। अब इसको हम इसके साथ अच्छे से भुनेंगे 3 मिनट, गैस फास्ट करके, स्लो पे नहीं। अदरक लहसुन 3 मिनट भून दिए हैं अच्छे से। अब इसमें 1/4 किलो दही डालेंगे। 1/4 किलो दही है। हरी मिर्ची है, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी दही को हम अच्छे से मिलाएंगे। ये 4 टमाटर है बड़े साइज का, इसको हम बारीक काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं, मीडियम में। एक पैकेट हम चिकन मसाला डालेंगे, चिकन पुलाव मसाला, ये 10 रुपये की पैकेट है। पुलाव मसाला हमने डाल दिया है। इसमें हम चम्मच से 3 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही भुनेंगे ढक। नींबू का जूस ढक के मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो बीच में इसको खोल के चलाते रहना, इसमें मैं थोड़ा सा कोथमीर डालूंगी, चेक करते रहना नहीं तो नीचे पकड़ लेगा। जरा सा पानी नहीं डालेंगे दही के पानी से। तो अभी इसको हम ढक देंगे, अभी पानी है इसमें। अब हम इसको खोल के देखते हैं। अब इसी स्टेज पे हम चावल डाल देंगे। ये चावल मैं 1-1.5 घंटा भिगा के रखी थी, इसके बाद छान के एक प्लेट में रख लेंगे। अब सब मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। तो मैं इसको गोश को डाल के 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, 1 गिलास से मैं 4 गिलास भर के डालूँगी। एक गिलास से मैंने 4 गिलास पानी डाले हैं। अब इसको हम ढक के रखेंगे, इसको एक बार ही पक जाएगा, तो अब फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अब हम खोल के इसको चेक करते हैं, इसमें उबाल आ गया है चावल में। अब इसको हम चला के इसको तावे पे दम करने के लिए रखेंगे, पूरा बराबर से मिक्स करके। तावा रख दिया है हमने गैस पे। अब पतीली इसके ऊपर रख के इसको कोई वजन चीज रखेंगे। तो मैं इसको टोटल 30 मिनट रखी हूँ दब पे, मीडियम गैस पे। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में सर्व करें। तो हमारा टेस्टी चिकन पुलाव बनके रेडी हो गया है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो पहले आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।
अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। वाले।